छूटा हुआ है 3.6 का, ठीक है ना, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा, इसलिए कि सारे बच्चों का अभी यही चल रहा है 4.1, ठीक है, तो आप भी 4.1 से ही पढ़िए, ठीक है। तो इसमें पढ़ना हम लोग को द्विघात समीकरण। तो ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिए देंगे कि द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात समीकरण उसको बोलते हैं जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो आता है, सी मतलब कंस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अंक रहेगा तो उसको भी हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताऊंगा, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसमें क्वेश्चन है आपका कि x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x − 3, ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था आपका वन का वन नंबर। तो वन का वन नंबर आपका क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था जी, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था देख लेते हैं। x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x − 3, यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो देख रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, इसको पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद आपको RHS में जीरो लाना है, क्यों, हम लोग फार्मूला में देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या, जीरो, यानी RHS में आपका जीरो था, ठीक है ना, फार्मूला में जीरो है तो इसलिए जीरो लाना होगा। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ओके। तो ध्यान देंगे इसको कैसे सॉल्व हो रहा है, इसको लिखेंगे दो बार, इसको लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इंटू हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे आप कि इसको जो है यहाँ तक ठीक है आपका, ठीक है ना, उसके बाद से जो लिखा हुआ है 2 × x − 3, इसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि इस x वाले को, सिर्फ x वाले को कॉमन कर लेंगे, तो x वाले को जब कॉमन कीजिएगा और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा तो इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस वन, ठीक है ना। यहाँ से आपने x को कॉमन कर लिया तो आपके पास बच गया क्या, वन बच गया, तो प्लस वन हो जाएगा, ये हो गया आपका x प्लस वन इक्वल टू के बाद इसमें 2 से इंटू कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x, यहाँ पे माइनस देख रहे हैं तो माइनस है ये वाला माइनस, ओके, और 2 में 3 से इंटू कीजिएगा तो ये आपका 6 आ जाएगा, डैट इम्प्लाइज x में x से इंटू कीजिएगा तो ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस यहाँ पे प्लस है, ओके, और x में 1 से गुणा कीजिएगा तो x वन जाए x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है तो वही प्लस में दे दिया, x में 1 से गुणा कीजिएगा तो ये आपका x हो जाएगा, अब प्लस 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू इधर वाला तो वही उतर जाएगा क्योंकि इधर तो कोई सॉल्व करना नहीं है, ये तो आपका सिंपल फॉर्म में है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो इसको मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1x 1x जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 2x − 6, ओके, डैट इम्प्लाइज ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक बात ध्यान दीजिए कि अगर दोनों तरफ सेम नंबर हो, ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ सेम नंबर हो और उसका साइन भी सेम हो,
मतलब क्या कि टू के आगे देख रहा हूँ प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, छिपा हुआ है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो वैसा नंबर जिसके आगे साइन भी सेम हो और नंबर भी प्लस नंबर भी सेम हो, तो साइन सेम हो नंबर सेम हो तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हट गया तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू माइनस सिक्स। ओके, तो इसको देयर फोर लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये माइनस सिक्स इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस सिक्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू क्या, जीरो, प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूँ और मैं इसको और बेटर ढंग से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपका आ गया, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें आ गया तो कहेंगे यह द्विघात समीकरण है। नोट कीजिए इसको, इसको नोट कीजिए, ऐसा कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे बताते चलूं। सारे बच्चे ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्यों, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, सभी बच्चे को मैं एक मिनट का समय दे रहा हूँ, नोट कीजिए, जिनका नोट हो गया ठीक है, बाकी बच्चे नोट कीजिए। इसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, उसके बाद से आप अदर बुक से बनाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, मैं एक एक करके बताऊंगा। सबका नोट हो गया, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन का टू। तो वन का टू नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं आगे। वन का क्वेश्चन नंबर टू, पहले इसको देखिए क्या करेंगे, इसको लिख दिया जाए क्या कि अतः, लास्ट में लिखिएगा अतः यह द्विघात समीकरण है। कैसे पता चला आपको, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म आया जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण है, ठीक ना, समीकरण है, मैंने समीकरण शॉर्टकट लिखा है, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। ओके, चलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका वन का सेकंड देखते हैं क्या है, वन का सेकंड नंबर, वन का सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, वन का क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो यहाँ पे वन का टू नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर वन का टू, ओके, वन का टू नंबर। चलिए क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स। हाँ, क्वेश्चन तो सही है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो आपका सॉल्व है ही, ये जो है आपका सिंपल फॉर्म में है, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, इंटू करना होगा, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि डैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू माइनस टू से थ्री में गुणा कीजिए, तो माइनस टू में थ्री से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, माइनस में माइनस से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये थ्री टू, थ्री में टू से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा,
होगा ना जी। तो 3 2 6 सॉरी 3 में 2 से इंटू किए तो 6 हो गया, -6 तो ये हो गया। अब इसको लिखना है कि -2 में -1 से गुणा करना है, प्लस तो लिख दें, अब माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, और 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर ठीक है -2x, ये 2x होगा, हाँ 2x, -2x ये है, ये आपका प्लस में 2x है, जब इधर खींचिएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, LHS में जब लाइएगा तो -2x, ये माइनस में 6 है, RHS में आकर ये +6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, कुछ इधर नहीं बचा, सब इधर आ गया, तो 0 ही ना बचा, 0 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अब -2x अब -2x, -4x हो गया, -4x +6 इक्वल टू क्या, 0। तो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें देख रहे हैं आ गया, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात ठीक है ना, समीकरण समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थ्योरी बता रहा हूँ, पहले नोट कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो फिर बोलिएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया या कोई दिक्कत है ठीक है तो बताइएगा, नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, चलिए इसको लिख लेते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, तो 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वन मिनट थोड़ा बढ़िया से लिख लूं, वन का थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, देख लेते हैं क्या है इसके बाद, एक्स माइनस टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3 है, तो लिख लेते हैं इसको x माइनस वन इंटू एक्स प्लस 3, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं कि पूरा हट जाए इसमें, वन मिनट। इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, हो गया, ये ना क्वेश्चन है, x माइनस वन लिख लेते हैं, x माइनस वन एक्स प्लस थ्री। चलिए देखिए क्वेश्चन तो लिख लिया गया, अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको भी, जब इसको इंटू करेंगे इसको इंटू करेंगे ठीक है, और इसको LHS में लाएंगे पहले इंटू करने के बाद, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं, तो इसको लिखा जाएगा कि डैट इम्प्लाइज, इस x को कॉमन कर लीजिए ठीक है, तो x को कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पे इसमें इंटू करना है, तो इसमें इंटू करना है आपको, तो लिखेंगे क्या x प्लस 1 ठीक है, यहाँ पे -2 बच गया, क्यों x बाहर निकाल चुके इसलिए -2 बच गया, तो -2 को लेंगे और इंटू करा देंगे किस में, x प्लस 1 में, तो x प्लस 1 में इंटू करा दिए, इक्वल टू इधर से आपका x बच गया ठीक है,
तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स लिखेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, इसमें इंटू कराना है, हो गया। अच्छा फिर माइनस वन इंटू, इसमें इंटू करना है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस कितना हो जाएगा, ये भी थ्री हो जाएगा, यानी एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस कितना हो जाएगा थ्री, ये आपका हो गया। ओके एक्स प्लस थ्री, अब देखिए इसको इंटू करते हैं, जब इसको इंटू कीजिएगा एक्स में एक्स से, तो ये आपका हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये एक्स स्क्वायर लिखा हूँ, बढ़िया से लिख दूँ, ये एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स में वन से गुणा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस दे देते हैं, और टू में एक्स से गुणा करेंगे तो ये आपका टू एक्स हो जाएगा, होगा। अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इंटू करने पे, और टू में वन से इंटू करेंगे तो ये टू हो जाएगा इक्वल टू, एक्स में एक्स से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर होगा। अब प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या लेंगे प्लस लेंगे, थ्री में एक्स से गुणा करेंगे तो ये आपका थ्री एक्स हो जाएगा, होगा। अच्छा एक्स में वन से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब प्लस माइनस हो गया आपका यहाँ पे क्या माइनस, और थ्री में वन से इंटू करेंगे तो थ्री हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट नहीं है, ओके। चलिए देखिए अब करेंगे क्या कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ अगर सेम नंबर हो तो सेम नंबर हो और उसके सामने, इसके सामने प्लस का साइन है, इसके सामने भी प्लस का साइन है, वो दिख नहीं रहा है, वैसे प्लस समझते हैं, ठीक है। तो नंबर सेम हो और दोनों के सामने जो है प्लस का साइन हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस नंबर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, यानी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, यही ना बच गया, एक्स में से टू एक्स घटाइएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, होगा। यहाँ पे माइनस टू है, इसको भी लिख लीजिए माइनस टू इक्वल टू, अब इधर ये बच गया कि एक्स में से थ्री एक्स में से एक एक्स घटाइएगा तो क्या होगा टू एक्स हो जाएगा, उसके बाद से बच गया माइनस थ्री, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस थ्री, हो गया। डैट इम्प्लाइज एक्स इसको एक्स और ये प्लस में टू एक्स है, इधर आएगा तो माइनस टू एक्स हो जाएगा एल एच एस में आकर, ठीक है, इधर आया तो बराबर की साइड, ओके। ये देखिए माइनस टू पहले से है, इधर ही है तो साइन चेंज नहीं होगा, इसको इधर खींचिए, ठीक है, जब एल एच एस खींचिएगा तब प्लस थ्री हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, होगा। तो देयरफॉर इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा माइनस थ्री माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, होगा। और थ्री में से टू घटाइएगा तो प्लस वन होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस वन इक्वल टू क्या जीरो। अब देखिए यहाँ से एक्स एक्स वाला एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है रिमूव हो चुका है, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इसको कहेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज लिख देना है, लिखेंगे अतः अतः यह द्विघात, ठीक ना, द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है। मैं इसको बड़ी बेटर ढंग से लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं लिखाया, ओके। यह द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है, यही चीज आपको लिखना है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, नोट कीजिए। और इंग्लिश वाले ऐसे ही बनाएंगे, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो वैसे ही बनाएंगे, लिख देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, बस यही लिखना, प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। इसमें तो मैथ में तो कोई इंग्लिश या हिंदी का कोई माने नहीं है,
यही रहेगा, लिख देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का 4, पहले इसको नोट कीजिए, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है ना, 4 बता सकूं। नोट कीजिए इसको, एक एक मैं बता दे रहा हूं, आप लोग घर पे इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, हो गया। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है आपका, चलिए ध्यान दीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है कि एक्स माइनस कितना, एक्स माइनस 3 और 2x+1, लिख लेते हैं इसको, एक्स माइनस 3 2x+1 1 का 4। वन का फोर नंबर क्वेश्चन है कि एक्स माइनस 3, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था जी, देख लेते। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, देख लेते हैं, एक्स माइनस 3 2x+1, लिखते हैं एक्स माइनस 3 और 2x+1 लिखना है इसमें, 2x+1 लिख लेते हैं, 1 मिनट, 2x+1, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2x+1, ये हो गया 2x+1, हो गया। इक्वल टू के बाद देखिए क्या दिया है, इक्वल टू के बाद दिया है इसमें कि x इंटू x प्लस वन, तो लिखा जाएगा x, ध्यान दीजिए, x इंटू x+1, यही ना, x प्लस फाइव है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इंटू किया जाएगा, इस वाले टर्म को, इसको भी इंटू किया जाएगा, इंटू करने के बाद उसको सिंपल करेंगे, सिंपल करके LHS में लाएंगे, LHS में लाने के बाद से RHS में जीरो हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचेगा तो उसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी द्विघात समीकरण होगा। चलिए देखिए, देखते हैं इसको, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको, लिखेंगे डायट इम्प्लाइज, ठीक है, एक्स को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से लिखिए थोड़ा नीचे से ताकि सबका सोल्यूशन हो जाए, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से लिख लेते हैं डायट इम्प्लाइज, ठीक है ना, ये हो गया आपका एक्स, एक्स को कॉमन कर लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2x+1 हो गया, इधर 3 को कॉमन करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो -3 है आपका, 2x+1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए आप, प्लस 5 में एक से इंटू कीजिएगा तो ये 5x हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए करेंगे क्या, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स में एक्स से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, होगा ना, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस प्लस है तो प्लस लिखिए पहले, एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स 1 जाए एक्स हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर होगा, आगे 2 है आपका, ठीक है यहाँ तक। आप देखिए इसको इंटू कीजिएगा तो -6 होगा, -6x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस क्या 5x, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, इधर वाला पहले सिंपल कर लीजिए जितना सिंपल हो सके,
तो इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो होगा एक्स टू एक्स स्क्वायर है, तो टू एक्स स्क्वायर तो इधर है नहीं, तो वैसे ही लिख देंगे इसको, ठीक है। तो इसको टू एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स में से सिक्स एक्स घटाएंगे तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस फाइव एक्स और माइनस थ्री इक्वल टू, ये हो गया फाइव फाइव कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस कितना दिया है फाइव एक्स दिया है ना। अब क्या कीजिए, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर से एक्स स्क्वायर वाला खींच दीजिए, जब एल एच एस में एक्स स्क्वायर लाइएगा तो ये आपका माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, क्यों, इसके आगे प्लस का साइन है, ओके। अच्छा, माइनस फाइव एक्स ये वाला ठीक है, माइनस फाइव एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस फाइव एक्स, ये प्लस में है, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस थ्री है, उसको भी लिख दीजिए माइनस थ्री इक्वल टू क्या, जीरो। तो हमारा बन गया रिजल्ट क्या, एक्स स्क्वायर, यानी दो को एक्स स्क्वायर में से एक को एक्स स्क्वायर घटाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस टेन फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स तो माइनस टेन एक्स हो जाएगा, माइनस टेन एक्स माइनस थ्री, ये माइनस थ्री है, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है यहाँ पे है, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच गया तो इसको कहेंगे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी यह द्विघात समीकरण है। नोट कीजिए, इसको नोट करेंगे सारे बच्चे, इसे नोट कीजिए, सारे बच्चे इसे नोट करेंगे। नोट कीजिए, एक मिनट तक मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी नोट कीजिए इसको। तो जहां आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखेगा उसको बोल देंगे कि यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए, तो अब सिर्फ इसमें लिखना है, ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, लिखेंगे अतः अतः यह द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात समीकरण समीकरण है, ठीक है ना, लिख लेंगे, एक लाइन में लिखिएगा, अब मैं दस लाइन आप लोग को, एक लाइन में लिखना है अतः या द्विघात समीकरण 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 है, द्विघात समीकरण है, हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो गया सबका। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, अभी कौन सा क्वेश्चन ये चल रहा था आपका, अभी आपका अच्छा फोर चल रहा था। अब फाइव नंबर देखिए, फाइव नंबर क्वेश्चन है क्या, ध्यान दीजिएगा, टू एक्स माइनस वन इन टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस वन, तो लिख लेते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन, टू एक्स माइनस वन, वन का फाइव नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वन का क्वेश्चन नंबर फाइव, टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन, वन, और क्या बोल रहा है उसमें क्वेश्चन में, टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, ये ना, तो इंटू लिख देंगे एक्स माइनस थ्री, इंटू
इंटू एक्स माइनस थ्री। इक्वल टू के बाद क्या है देख लेते हैं, इक्वल टू के बाद है एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस फाइव। तो ये हो गया एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसे हमको सॉल्व करना है, तो वही कंसेप्ट आ गया। इसके पहले मैंने बताया था कि इसको इंटू कीजिए, इसको इंटू कीजिए, पहले तो इंटू करना होगा आपको, ठीक है। तो वही प्रोसेस यूज करेंगे कॉमन वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन वाला यूज करने के लिए, ठीक है, लिखते हैं, लिखेंगे कि 2x को कॉमन किया जाएगा, ठीक है। 2x को जब कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब 2x को कॉमन कीजिएगा, 2x को, ठीक है, 2x को जब कॉमन कीजिएगा तो इंटू किस में कीजिएगा, x प्लस एक्स माइनस थ्री में। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस थ्री, 2x तो कॉमन हो गया, बचा क्या, माइनस वन, तो माइनस वन को आप कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन, और इधर हो गया x माइनस थ्री। इक्वल टू के बाद क्या बच गया यहाँ पे, x, इक्वल टू के बाद x को कॉमन कीजिए, और किस में इंटू करना है, x प्लस वन में, तो यहाँ पे x प्लस वन में इंटू कर देंगे, प्लस फाइव हो गया, इधर भी हो जाएगा, x प्लस वन नहीं है जी, x माइनस वन है, x माइनस वन में इंटू करना है, ओके। तो x माइनस वन, और यहाँ पे बच गया प्लस फाइव, क्योंकि x तो कॉमन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस क्या, वन, एक्स माइनस वन हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे यहाँ पे, 2x में x से जब इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 2 में x, 2 में 3 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, और x है ऑलरेडी तो x को यूज कर दिया जाएगा तो 6x हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ का, ओके। तो x में 1 से गुणा करेंगे तो x बन जाए, x हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, 3 बन जाए क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे प्लस 3 हो गया, इक्वल टू। अब इधर वाले को सॉल्व कीजिए, x में x से इंटू करेंगे तो x होगा, होगा आ इंटू x में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, x में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 मिनट, पहले माइनस से तो माइनस लिखिए, x हो जाएगा प्लस, 5 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x होगा, होगा अब माइनस 5 बन जा 5, ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल कीजिए इधर वाले को, अगर ठीक है, और इधर वाले को भी सिंपल कीजिए, तब क्या कीजिए उसको LHS में लाइए, ठीक है। तो चलिए लाते हैं इसको, तो 2x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, माइनस 7x, क्यों, 6x माइनस 6x और माइनस 1x, माइनस 7x हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और प्लस क्या बच गया, 3, तो लिख देंगे प्लस 3 इक्वल टू इधर x स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, माइनस एक्स प्लस क्या, 5x, तो ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस 4x, प्लस कितना हो गया, 4x, अब प्लस कितना, तो 5 हो गया। आप ध्यान दीजिए, अब 2x स्क्वायर ये प्लस में, इधर लाइएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ले लीजिए माइनस x स्क्वायर। अब इसमें से x वाला उठाइए तो ये हो जाएगा माइनस 7x, और इधर से खींचिएगा LHS में तो ये माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 3 पहले से है, 5 को इधर खींचिएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू के बाद कुछ नहीं बचा तो 0।
अब इसको सॉल्व करके लिख देना है। अब देखिए, दो गो एक्स स्क्वायर में से एक गो एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो कौ गो एक्स स्क्वायर बचेगा, वन एक्स स्क्वायर मतलब एक गो एक्स स्क्वायर बचेगा, और माइनस सेवन एक्स माइनस माइनस लिखेंगे ऐड करेंगे तो माइनस सेवन एक्स और माइनस फोर एक्स माइनस इलेवन एक्स हो जाएगा। तो वही लिखा के माइनस इलेवन एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिए, थ्री में से फाइव हटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस टू, माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो ये आपका हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जो इंग्लिश वाले हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बस नीचे लिखेंगे क्या, हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और हिंदी वाले लिखेंगे क्या, यह द्विघात समीकरण है। मैं अभी लिख भी दे रहा हूँ, पहले नोट कीजिए इसको, इसको नोट कीजिए। सारे बच्चे नोट करेंगे, किसी को कोई डाउट होगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को डाउट नहीं है, डाउट होगा कहाँ, एक एक करके आपको समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे क्या होगा, एक एक समझा रहा हूँ, इसमें डाउट वाली कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि मेरे क्लास के लेक्चर में किसी बच्चे को डाउट नहीं होता है, वो पूछ ही नहीं सकता कि सर ये कहाँ से है, क्यों, मैं इतना बता देता हूँ कि उसको पूछने का मौका ही नहीं देता हूँ। नोट कीजिए, बस आपको लिखना है यह द्विघात समीकरण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, अभी फाइव चल रहा है, अब सिक्स चलेगा, सेवन और एट। हो गया।